हाय गाइस, कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि अनचाहे बालों को आसानी से साफ करने का बेस्ट घरेलू नुस्खा क्या है, क्योंकि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि मैं बताइए, जो कि हम अपनी प्राइवेट पार्ट अंडर गारमेंट्स प्राइवेट पार्ट के अनचाहे बालों को नेचुरल तरीके से साफ कर सके। क्योंकि गाइस, जो क्रीम होता है ना, सबको सूट नहीं करता है, क्योंकि उस क्रीम की जो खुशबू होती है, उसमें जो भी चीज़ें मिलाई जाती हैं, हर सभी के स्किन को सूट नहीं करता। ये कई प्रकार से आप साफ कर सकते हैं। पहला कि कोई होम रेमेडी लगा के साफ कर सकते हैं। दूसरा कि जो वो जैसे दूसरा ये है कि जो हेयर रिमूवल जो क्रीम आता है, आप उसको लगा के साफ कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि जो आप उसको जैसे कि उस बाल को जड़ से ना साफ करके, बल्कि आप उसको ऊपर से छोटे छोटे काट भी सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि मैम, अगर वहाँ पर कि जो बाल है, अगर मैं साफ ना करूँ, उसी तरीके से उसको छोड़ दूँ, तो क्या प्रॉब्लम है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर साफ़ सफाई रखोगे तो क्या दिक्कत है। अगर साफ़ सफाई रखेंगे तो ये आपके सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसी तरीके से अगर उसको उसी तरीके से अगर छोड़ देंगे तो वहाँ पे बदबू होंगे, हानिकारक बैक्टीरिया आएंगे, इन्फेक्शन होगा। बदबू तो होगा ही होगा, इससे कई सारे संक्रमण भी हो सकते हैं, जो कि आपको वहाँ पे दांत खाज खुजली हो सकते हैं। ठीक है, जितना साफ सफाई रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आपकी शादी होगी तो फिर तौबा तौबा, अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आपका तो काम आगे बन ही नहीं पाएगा, तो आप भी जानते हैं अच्छी तरीके से। तो इसीलिए जितना हो सके उतना आप अपने प्राइवेट पार्ट की केयर करें। जो हमारे अंडर गारमेंट्स के जो बाल होते हैं, वो थोड़े नरम होते हैं, वो आसानी से निकल जाते हैं। लेकिन जो रही बात नीचे के प्राइवेट पार्ट के बाल को साफ करने की, तो वहाँ के जो बाल हैं थोड़े बड़े टाइट होते हैं, जिद्दी टाइप होते हैं, कड़े होते हैं, तो उसको निकालने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करना पड़ता है। तो आज यहाँ पर वही चीज़ हम आपको बताने वाले हैं कि बिना पैसे के आप अपने अनचाहे बालों को साफ कर सकते हैं। इस चीज़ को आप अपने अंडरगारमेंट्स प्राइवेट पार्ट, अपने चेहरे के बाल को भी साफ कर सकते हैं। बहुत से लेडीज़ जो हैं, अपने हाथ और पैर के भी बाल अच्छा नहीं लगता, तो आप इसको अगर निकालना चाहते हैं तो इस रेमेडी से लगा के आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो आइए देना करते हुए उस रेमेडीज़ के बारे में बता देते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चीज़ हम आपके साथ शेयर करें, सिर्फ जानकारी के तौर पर शेयर करें, इससे आप लोगों को ठेस पहुँचाने या फिर हर्ट करने का हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। जैसे दोस्तों, उस रेमेडीज़ में क्या लेना है आपको, जैसे कि लेना है आपको 2 चम्मच शक्कर लेना है और 1 चम्मच पानी लेना है। तो उस पानी में आप उस शक्कर को डाल के और उसको थोड़ा गैस पर रख के उस शक्कर को एकदम अच्छे से गला दीजिए। गलाइए इतना जिस तरीके से एकदम लासा जैसा, एकदम अच्छे से जब करने लगे तो गैस को बंद कर दीजिए और उसको उतार दीजिए गैस पर से। अब इसमें आपको ऐड क्या करना है, चने का बेसन ऐड करना है। चने का बेसन हमारे स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, उसमें अच्छे से ऐड कर देना है। ध्यान दें दोस्तों कि आपको उसमें पानी अलग से ऐड नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो उसमें से फिर से चने, फिर से उसमें पानी और शक्कर को डाल के फिर से गर्म करके तब उसमें चने का बेसन ऐड करें। लेकिन नॉर्मल अलग से पानी ऐड नहीं करना है, नहीं तो आपको ये काम नहीं करेगा, ठीक है। उसी तरीके से इसमें मिक्स करके तैयार करें, अपने अनचाहे शरीर पर लगा सकते हैं। जैसे आप अपने अनचाहे बालों को लगा के अच्छे से, जैसे कि लगाने के बाद उसको थोड़ा सा अपने टाइट हाथों से थोड़ा इसको मसलिए। इसको मसलने के बाद क्या है ना कि वहाँ एकदम अंदर से जो रोम छिद्र वहाँ तक जब जाएगा तो थोड़ा नाजुक हो जाएगा। तो उसको जब नाजुक हो जाएगा तो आप मतलब अपने हाथों से ही इसको इस तरीके से उखाड़ेंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो आसानी से बाल निकल जाएगा। ध्यान देखिए, अगर एक बार भी नहीं निकलता है तो एक दिन छोड़ के दूसरे के दिन फिर इसको मतलब एक दिन गैप करके नेक्स्ट दिन आप फिर से इसी तरीके से इस पेस्ट को लगाएं। क्योंकि जो प्राइवेट पार्ट के बाल होते हैं थोड़ा टाइट होते हैं, थोड़े जिद्दी होते हैं, बहुत कड़े होते हैं। अगर नहीं निकल पाते हैं तो ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि बहुत ही नाजुक एरिया होता है, वहाँ पे जैसे कि फोड़े टाइप भी हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर एक बार भी नहीं साफ होता है तो इसको दोबारा लगाएं। लेकिन ये बहुत ही नेचुरली है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वहाँ की काली स्किन, दाग, बदबू, इस धब्बे की समस्या को दूर करेगा, खुजली की समस्या को दूर करेगा और आसानी से बालों को निकालने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो आई होप कि अगर आप इस तरीके से अपने बालों को साफ करना चाहती हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों लोग, ये बता रही हूँ, आप अपने हेयर को रिमूव करने के लिए आसानी से इसका प्रयोग कर सकती हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर ये छोटा सा टिप्स आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नए टिप्स के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग जहाँ भी रहें, अपना एंड अपने फैमिली का ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।